सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो चूँकि आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और इन गर्मियों में जो है हमारी गाड़ी गुजरी होगी मानसून और सर्दियों में, और जो है रोड पर गुजरी होगी और इस कारण से जो है ज़्यादातर एसी फिल्टर में जो है कचरा जम जाता है या फिर धूल जम जाती है, और उसके कारण जो है एसी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। उसके कारण जो है हमें जाना पड़ता है ऑथोराइज सर्विस सेंटर, और हम जो है 500-600 का जो है फ्यूल खर्च करके जो है वहाँ पर हम जाते हैं, और उसके कारण जो है ज़्यादातर हमें जो है काफ़ी लंबा खर्चा भी आ जाता है क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आज जो है हम इसी खर्चे को बचाने की बात करेंगे, और जो है बात करते हैं कि आप घर पर बैठे बैठे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपना एसी फिल्टर कैसे साफ कर सकते हैं। याद रखिए सिर्फ एसी फिल्टर के लिए है, एसी को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप जो है एसी फिल्टर खरीद भी सकते हैं, लगभग 250 रुपये का आता है एसी फिल्टर। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर है एसी फिल्टर। सो अभी जो है मैंने फ्लैश ऑन की है, और ये जो कंपार्टमेंट दिया गया है यहीं पर जो है आपका एसी फिल्टर होगा। तो जो है आपको सिंपली करना क्या है वो आज मैं बताता हूँ। सो यहाँ पर जो है चार स्क्रू दिए गए हैं। सबसे पहला स्क्रू यहाँ पर है, ये रहा। सेकंड स्क्रू यहाँ पर है, थर्ड स्क्रू यहाँ पर है, और जो है फोर्थ स्क्रू यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है फोर्थ स्क्रू और एक यहाँ पर, मतलब टोटली चार स्क्रू है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एंड एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि उस स्क्रू को खोल देना है। जो है मेरे पास अभी ऐसा स्क्रू ड्राइवर है, आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठे। तो मैं जो है वीडियो को अभी पॉज कर देता हूँ ताकि जो है वीडियो लंबा ना हो। तो सबसे पहले स्क्रू निकाल लेते हैं। तो सभी स्क्रू जो है खोल दिए गए हैं। एक ये रहा, एक जो है ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो जब है जो है ये देखिए कुछ इस तरह का स्क्रू है, एंड ये है दूसरा स्क्रू, एंड ये है थर्ड स्क्रू, एंड ये है फोर्थ स्क्रू। ठीक है, सभी स्क्रू जो है खोल दिए गए हैं। ये रहा 1, 2, 3, 4। एंड जो है अगर आपने कभी भी अपने एयर फिल्टर साफ नहीं कराया तो यहाँ पर जो है गम तरह का जो है पैकिंग रहेगा, जो कि जो है थोड़ा सा हार्ड रहेगा अगर आपने कभी भी अपने एयर फिल्टर साफ नहीं करवाया हो। तो लगभग थर्ड सर्विस तक जो है सभी का एयर फिल्टर साफ हो जाता है, लेकिन अगर आपने साफ नहीं किया है तो जो है आपको थोड़ा ज़ोर से खोलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पैकिंग अच्छी खासी है। ये देखो ये पूरा का पूरा धूल वाला है, और जो है यहाँ पर एक सिंपल एक नॉच होगा जिससे आप जो है खींच सकते हो। और ये देखिए ये आ गया अपना एयर फिल्टर जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है, और जो है ज़्यादातर इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। और अभी जो है ये पूरा निकल चुका है, आपको जो है थोड़ा हार्डली उसको निकालना पड़ेगा वरना जो है ये, और ये रहा अपना एयर फिल्टर। ये जो है यहाँ से फट चुका है, मतलब जो है हर गाड़ी में ये फटा हुआ नहीं आता लेकिन शायद इसमें फट गया है। इसको आप जो है ज़्यादातर टेप से भी चिपका सकते हो, किसी भी चीज़ से चिपका सकते हो। तो अभी जो है परसों ही मैंने इसको साफ किया था, लेकिन अभी जो है ये काफ़ी क्लीन है इसलिए अच्छा है। इसको मैंने परसों ही साफ़ किया था इसलिए जो है अभी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो है ज़्यादातर यहाँ पर मिट्टी लगी होती है जिसको आप जो है कुछ इस तरह से उंगली लगा कर भी साफ़ कर सकते हो। और जो है आपको सिंपली इसके ऊपर साबुन वाला पानी डाल देना है, ये पूरा नया जैसा हो जाएगा। ये जो है अभी तक चेंज नहीं किया गया है, अभी तक मैंने इसको खुद ही साफ़ किया है हर वक्त, जिससे जो है एसी नया जैसा होगा। और जो है आपको सिंपली ही यहाँ पर फिट कर देना है, अगर आपने जैसे इसको धो दिया है वगैरह वगैरह, तो जो है आपको सिंपली यहाँ पर इसको कुछ
मुझे जो है ये मैट निकालना पड़ेगा और इसको भी, एंड सिंपली जो है इस तरीके से इसको लगा देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये पूरा यहाँ से जो है यहाँ से आपको यहाँ से अंदर डालना है, एंड दूसरा जो कॉर्नर है कुछ इस तरह से डालना है आपको, एंड जो है यहाँ से थोड़ा जैसे आप पुश करोगे ये अंदर चला जाएगा आसानी से, एंड ये चला गया पूरी तरीके से। बस आपको जो है यहाँ से थोड़ा पुश कर देना है, एंड जो है अब ये पूरी तरीके से फिट हो चुका है। एंड इसको जो है आपको कुछ इस तरह से फिट कर देना है, जो है आपको कुछ इस तरह से इसको डाल देना है यहाँ पर। एंड ये पूरी तरीके से लग चुका है परफेक्टली, बड़ी अच्छी तरीके से लग गया है। एंड आपको जो है सिंपली इन जो ये जो स्क्रूज है उनका आपको जो है सिंपली इस तरह से प्लेस कर देना है। सबसे पहले जो है एक स्क्रू को हमें अभी कभी जो है आप जो है एक स्क्रू को डालते हैं जो है तुरंत टाइट कर दीजिए ताकि जो है फिटिंग कंप्लीट हो जाए, वरना जो है फिटिंग लूज हो जाएगी और जो है प्रॉपरली स्क्रू को डाल नहीं पाओगे। एंड ये हो गया प्रॉपरली, एंड एक स्क्रू को जो है यहाँ पर डालना होगा। एंड जो है सारे स्क्रूज को मैंने जो है टाइट कर दिया है प्रॉपरली अच्छी तरीके से, एंड जो है सभी स्क्रूज जो है अच्छी तरीके से डाल दिए गए हैं। एंड जो है इस वीडियो में इतना ही था कि आप जो है घर पर बैठे बैठे ही जो है कुछ इस तरह के स्क्रू ड्राइवर से जो है इन स्क्रूज को खोलकर अपना है एयर फिल्टर एसी फिल्टर जो है साफ कर सकते हैं बिना कोई ऑथोराइज सर्विस सेंटर जाए या फिर बिना कोई डीलरशिप के पास जाए। तो कुछ इसी तरह से जो है आप साफ कर सकते हैं एसी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से, इससे वर्क करने लगेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जो है ऑथोराइज सर्विस सेंटर में भी इसी तरीके से जो है इसको साफ किया जाता है इसी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।